फ्रेंड्स अगर हम ISF देखो, इंडिया में जितने भी बंदे हैं, आपके घर में भी ये हो सकता है कि आप किसी में जॉब मिले, मान लो आपको BSF में जॉब लग गई और आपको घर वाले बोलेंगे आप काश आपको CISF में हो जाता। लेकिन हर एक फैमिली, हर एक कैंडिडेट ये सोचते हैं कि CISF अच्छे जॉब है। मैंने ये नहीं कहता कि CISF अच्छी जॉब नहीं, बिल्कुल अच्छी जॉब है। अगर CISF हम फुल फॉर्म देखेंगे, जो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल जहाँ पे जो केंद्रिक जो इंडस्ट्रियल होता है, जिसमें आपको बड़ा बड़ा फैक्ट्री होता है, वहाँ पे उनकी ड्यूटी होता है, वहाँ पे इन्वॉल्व रहता है ये सर, वहाँ पे डिप्लॉय होते हैं। तो अगर आप CISF में जाना चाहते हो, अच्छे फौज है, सब काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा जो आपके नॉलेजेबल हो सकते हैं। अगर आप स्टडी कर रहे हो SSC के ज़रिए, जो बहुत अच्छे है, और अगर सिलेक्शन हो गई तो आपके लिए वीडियो बहुत फ़ायदेमंद है, ठीक है। तो अगर CISF में आप जाना चाहते हो, CISF आपको सबसे पहले इंडस्ट्रियल जो इलाका होता है, जो जहाँ पे फैक्ट्री वगैरह है, वहाँ पे आपको डिप्लॉय करेंगे, ड्यूटी लगाएंगे वहाँ पे। और नेक्स्ट आप CISF आपको कहाँ देखने के लिए मिल जाएगा, जो प्लेटफॉर्म होते हैं, एयरपोर्ट होते हैं, वहाँ पे CISF आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आप शायद फ्लाइट से कहीं पर गए होंगे तो आपको जितने भी फोर्स आपको देखने के लिए मिल जाए, वहाँ पे CISF आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। और रेलवे स्टेशन में आपको देखो, वहाँ पे भी आपको CISF देखने के लिए मिल जाएंगे RPF के साथ जगह में, ठीक है। तो अगर चाहते हो कि मैं लोगों के बीच रहना चाहता हूँ, मैं इंडस्ट्रियल इलाका में ड्यूटी करना चाहता हूँ, तो आप बेफिक्र होकर CISF आप फर्स्ट प्रेफरेंस दे सकते हो, जो SSC की फॉर्म है। और अगर चाहते हो कि मैं फैमिली रखना चाहता हूँ, तो CISF में ये एक फैसिलिटी बहुत अच्छी तगड़ी फैसिलिटी है, जो कि आपको फैमिली रखने के लिए हर हाल में आपको परमिशन मिल जाता है। आप आज ही शादी की एप्लीकेशन डालें और आपको क्वार्टर मिल जाते हैं। अगर शादी भी नहीं की ना, फिर भी आपको क्वार्टर आपके नाम पे इशू हो जाती है। तो ये एक फैसिलिटी बहुत अच्छी लगती है मुझे, क्यों मैं BSF में हूँ। हर कोई बंदा चाहता है कि मैं फैमिली रखना चाहता हूँ, तो चाहते तो आप वहाँ पर फैमिली रख सकते हो। दूसरा चीज़ है ना, जो BSF बाकी जितने भी फोर्स है उनकी पे स्लिप और CISF की पे स्लिप से थोड़ा डिफरेंस रहता है, क्योंकि उनको तो क्वार्टर मिल ही जाता है, बाकी फोर्स को इतने आसानी से क्वार्टर नहीं मिलते, ठीक है। और CISF जी आप जानते हो कि CISF पब्लिक के बीच में ड्यूटी करते हैं, तो उनकी पे स्लिप में ये डिफरेंस आता है कि उनका जो ये है, जो राम अलाउंस होता है, उनको नहीं मिलता, क्योंकि दारू पी के जाएगा तो पब्लिक के बीच ड्यूटी नहीं कर सकते, बाकी के जो ये पैसा मिल जाता है, लेकिन CISF में इस पर पैसा नहीं मिलती। तो अगर चाहते हो कि मैं CISF में जाता हूँ, बहुत स्टैंडर्ड में आप रह सकते हो, आपको 8 घंटा ड्यूटी करने के बाद बिल्कुल आपको ड्यूटी में आपको तंग ही नहीं करेंगे, बाकी जैसे बाकी फोर्स है ड्यूटी करने के बाद आपको वर्किंग कराएंगे और एक्स्ट्रा बंदा है तो आपको ड्यूटी लगा देंगे, लेकिन CISF में ऐसे बिल्कुल नहीं है।